नमस्कार फ्रेंड, जय श्री राम। साईं किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा रेसिपी, और वो आप अगर गर्मी में बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए चावल लिया है थोड़ा सा, ये नॉर्मल राइस जो हम घर पे यूज़ करते हैं, कोई सा भी राइस जो हो आप जो घर में खाते हो ले सकते हैं। ये हमारा आधा कटोरी से भी थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं कितना है, मैं इसीलिए प्लेट में लेके दिखा रही हूँ। तो इतना ही हमें चावल लेना है, और एक हमने बड़े साइज के देखिए मीठा पका हुआ आम लिए हैं, एकदम अच्छे से पका हुआ आम जो है वो। और यहाँ पे हमने चीनी लिया है देखिए आधा कटोरे करे, और यहाँ पे चार इलायची लिया है छोटी इलायची। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें ये चावल जो है इसको एक कटोरी में डाल देंगे और इसे अच्छे से धो, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, और इसे हमें 2 घंटे तक भिगो के रख देना है राइस को। हम इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा चावल भीग चुका है, 2 घंटा हो गया, और ये देखिए भीग के कितना अच्छा सा हो गया है। तो इसी तरह हमें रखना है, और बस इसी के पानी के साथ में हम इसे पीस लेंगे। ये जार लेंगे हम, यहाँ पे इसको डालेंगे। अब यहाँ देखिए हमने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म दूध लिया है, ये देखिए थोड़ा सा 2 चम्मच। बस इसको इस तरह से मिलाते हुए इसे घोल लेंगे, और इसे साइड में घोल के रख देंगे जब तक हमारा दूध और चावल गाढ़ा नहीं होता है। इसको दो घोल के रखते हैं, ये देखिए इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, बस इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से पीस के रखना है, ये देखिए आप देख सकते हैं हमें इस तरह से ही रखना है, नहीं पीसना है दरदरा सा, थोड़ा सा एकदम साबुत ना हो ना एकदम वैसा हो चावल, हमें इसी तरह से पीस के रखना है। तब हमने यहाँ पे देखिए दूध लिया है, 1 किलो दूध है हमारा करीब, 1 लीटर दूध है, और ये गर्म दूध है हमारा, तो हमने गैस पे पहले ही रख दिया था। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा मलाई भी आ गया, तो बस हम इसी में इसको ऐड कर देंगे। अब हमारा ये देखिए दूध अच्छे से खोलने लगा है, और ये जब तक इसमें से चावल पक ना जाए, पकने के बाद ही चावल के तभी हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रखा है। तो पहले इसको चावल को पका लेना है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा कितना गाढ़ा हो गया, मैंने इसे एकदम धीमे धीमे आंच पे से पका लिया, और ये देखिए हमारे चावल एकदम पक चुका है अच्छे से, तो ये एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रखा है, बस हम जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। बस इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद ही गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। बस इतना ही डालेंगे हम, देखिए हमने इतना बचा लिया, इसका आइसक्रीम में हम यूज कर लेंगे। और यहाँ चीनी हमने लिया है, तो चीनी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये काफी गाढ़ा हो चुका है, इसको हमने धीमे धीमे आँच पे धीरे धीरे चलाते हुए, ये देखिए एकदम पक गया अच्छे से गाढ़ा। अब हम इसे बंद कर देंगे, और हमने ये इलायची जो लिया था तो इलायची पाउडर डाल देंगे, और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसमें कस्टर्ड पाउडर डालें या ना डालें, दोनों तरह से ही चल सकता है, क्योंकि अपने आप ही दूध गाढ़ा हो जाता है हम चावल पीस के जब डालते हैं। तो हम बस फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा डाल दिए कस्टर्ड पाउडर, तो आप भी डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो बिना डाले भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए हमारा क्या ये ठंडा हो चुका है, तो हम ये खीर हमारा मैंगो खीर हम बना रहे हैं, कस्टर्ड पाउडर वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये ठंडा होने के बाद ही इसमें हम थोड़ा सा ये मैंगो है जो हमने काटा है एक लिया था, तो इसको हमने देखिए कितने छोटे छोटे पीस में काटा है, तो इसी तरह हमें छोटे छोटे पीसों में काट लेना है, और आधा इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से, आधा ऊपर से बचा लेंगे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना देखने में ही टेस्टी लग रहा है। बस ये ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे, तो बहुत ही ये बढ़िया लगता है खाने में। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए।
फ्रेंड्स, ये हमारा बनके एकदम मैंगो खीर तैयार है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार अभी इसे जरूर ट्राई करिएगा इस तरह से। और घर पे कोई भी मेहमान आए, नॉर्मल खीर तो सभी बनाते हैं, आप इस तरह से बना के उनको खिलाइए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। ठंडा ठंडा आप इसको फ्रिज में रख के आपका ये 2-3 दिन तक खराब नहीं होगा, आराम से इसको खा सकते हैं। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अपने एक्सपीरियंस की, आपको ये हमारी खीर की, मैंगो खीर की रेसिपी कैसी लगी। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा इस तरह से, देखिए आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर बादाम डाल देंगे जिससे और भी देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी सुंदर लगेगा। तो आप इस तरह से बनाइए, सर्व करिए और एंजॉय कीजिए। और अपने एक्सपीरियंस आप मुझे बताना ना भूले, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।